नमस्कार, फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। फिल्मी हीरो शाहरुख खान और आमिर खान को देश में माना जरूर जाता है, लेकिन दुनिया में भारतीय संस्कृति की पहचान कुटले खां जैसे कलाकारों के कारण है, जिनका लोहा, जिनके संगीत को दुनिया मानती है। आज हमारे साथ हैं जैसलमेर के महान गायक, जो बहुत छोटी उम्र में ही दुनिया में घूमने निकल गए, 70 देशों की यात्राएं कर चुके। आज हमारे साथ हैं कुटले खां। कुटले खां जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। खमा गणी कुटले खां जी, शुरुआत इस बात से, क्योंकि आप हर अपनी इस सभा की शुरुआत किसी ना किसी भजन से करते हैं। आपका दमादम मस्त कलंदर बड़ा फेमस है। दमादम मस्त कलंदर है, और काफ़ी सारे हमारा जो सॉन्ग है सूफी, हाँ सूफी और फोक ज़्यादातर हम करते हैं, और सूफी गाने हम कुछ ऐसे पेश करते हैं जिसको साथ में ले सके सबको, और ये गाने ऐसे हैं जैसे हर धर्म को पाल सकते हैं। जैसे अल्लाह 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 ओखे पेंडे लंबिया निरावा इश्क दिया दर्द जिगर तख्त सजावा इश्क दिया। ये अल्लाह के साथ इश्क है जी, और ये अल्लाह के साथ, और जो हर धर्म के साथ है, अल्लाह एक ही गॉड है, एक ही भगवान है। तो हम सूफी ऐसा पेश करते हैं कि जो सूफी आपने सुना है जी, तो हम संगीत को इस तरीके से पेश करते हैं कि सब धर्म एक है, और सब क्या कहते हैं उसको, सब लोग आपस में जुड़े रहें। ये लेकिन जो सूफी आपका ये जो संगीत है, हाँ। ये बड़ा दमादम मस्त कलंदर से बड़ा फेमस हुआ। जी दमादम मस्त कलंदर। क्या क्या लोगों को एक बार थोड़ा सा आप पूरे जोश के साथ। हो लाल मोरी बत रखी पला छुल लालन सेवणी दा सिंदरी दा सखी सेवा से कलंदर हक दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर हो लाल मोरी हां लाल मोरी। वाह कुटले खां जी एक बात जी, आपका नाम है कुटले खान। कुटले खान, खान से ऐसे लगता है आप तो, मैंने मुसलमान हूँ जी सर, लेकिन भांगड़ियार जो कम्युनिटी है आपकी बड़ी विशेष है। क्या हमारा कम्युनिटी है मंगणियार कम्युनिटी जी, जो दोनों धर्मों को पालती है। हम ऐसे मुस्लिम हैं जिसको कहते हैं मंगणियार मुस्लिम, जो हम मंदिर भी जाते हैं। अच्छा, और मस्जिद भी जाते हैं। मंदिर में भी मंदिर हमारे, जो मैं मुस्लिम हूँ, मेरे घर पे मंदिर है। अच्छा जी, देवी का मंदिर, हम पूजा करते हैं उनकी, और मस्जिद भी जाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। ऐसा कैसे संभव है आजकल जो धर्मों को लेके जो खींचतान चल रही है उसमें आप ये कैसे तालमेल बैठा पा रहे हो। जी हम तो, हमारे घर तो, हमारे जो कम्युनिटी है मंगनियार कम्युनिटी, जो हम ऐसे संगीत कर रहे हैं कि सब लोग जुड़े रहें और सब साथ में रहें, तो इसलिए हम गाने बनाते रहते हैं, कुछ नया कुछ करते रहते हैं, और हम हमारी यही दुआ रहती है कि कुछ हम ऐसे गाने बनाए कि पूरी एक ही साथ रहे, और सब प्यार जो है संगीत के द्वारा सबको मिलता है। कुटले खां जी, जहाँ धर्म के जो ठेकेदार हैं वो आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, आपकी मांगणियार कम्युनिटी जैसलमेर के बिल्कुल धौरों पे बैठ के किस तरह से जोड़ने में लगी हुई है, क्या ये परंपरा से या अब जी हमारा कम्युनिटी ऐसा है कि मांगणियार कम्युनिटी है जी, जो हम मंदिर अभी आपको बताया, हमारा मेरे घर पे मंदिर है। अच्छा जी, मेरे खुद के घर पे मंदिर है जी, मैं उनकी पूजा भी करता हूँ। अच्छा, मस्जिद जाता हूँ। तो कुछ हमारी कम्युनिटी है जो राजपूत फैमिली है जी, उनके वहाँ ही गाती थी। अच्छा, सदियों से जी, पीढ़ी दर हमारा 14-15 पीढ़ियों से वहीं गाती थी जी, और आज हम उनके लिए गाने बनाते थे, राजपूतों के लिए गाने बनाते थे, उसके साथ साथ सूफी सॉन्ग जी। जो सूफी एक ऐसी चीज़ है जो, मतलब आप कहोगे सूफी संत मस्त मौला, जिसको कोई चिंता नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होता, बस वो मस्त रहते। तो मांगणियार बिल्कुल मस्त है। कितनी बड़ी कम्युनिटी है आपकी? हमारा मंगणियार कम्युनिटी है बाड़मेर और जैसलमेर में जी, जिसको आपने सुना कमाच, एक इंस्ट्रूमेंट होता कमाच जी, वो एक हमारी कम्युनिटी में साकर खान करके, वो अभी चले गए, उनको पद्मश्री मिली हुई है जी, और उन्होंने कमाच मंगणियार कम्युनिटी में ही प्ले किया, मतलब वो ही एक प्ले थे जो मंगणियार में बजाते थे, वो इंस्ट्रूमेंट दूसरे आर्टिस्ट को प्ले नहीं कर सकते थे। अच्छा, बहुत ही डिफिकल्ट आर्टिस्ट वो है इंस्ट्रूमेंट,
उसको आपकी ये जो मंगनियार कम्युनिटी के जो इंस्ट्रूमेंट सारे डिफिकल्ट होते हैं, अब आपकी ये जो खड़ताल, ये खड़ताल है, आप सुनिए जी, ये चार लकड़ी है, ये बजती कैसे है, ये क्या है, ये क्या बचपन से सीखते आ रही है जी? हमारा खानदानी काम यही है, ये हम तो बजा नहीं सकते ना, ये आप नहीं बजा सकते, मगर ये हमारा, मेरे फादर सारे, मतलब हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने ये चालू किया था और इसको मैंने अलग रूप दिया है। अच्छा, क्या? जैसे फोक हो गया जी, आठ मात्रा जी, धेंग दिन दिन धेंग दिन दिन, तो इसमें कुछ रिदम चेंज करना, जैसे 11 बीट 13 बीट। अच्छा, 12 बीट इसमें जी। अच्छा, क्लासिकल में जैसे, मतलब किसी गाने के साथ आप सुनाइए, जैसे इसको कहते हैं दादरा। अच्छा, जो 6 बीट है। अच्छा, ये 6 बीट चल रही है जी। तो कैरवा तो हमारे, आहा, इसको कैरवा कहते हैं, 8 बीट, और 6 में ले जाना, 7 में ले जाना, 14 15 16, उसमें खेलो। अच्छा, तो उसको मैंने कुछ अलग तरीके से, जैसे मोरचंग में प्ले करता हूँ, 9 इंस्ट्रूमेंट में प्ले करता हूँ, 9 9। ओहो, तो ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको मैं 6 ताल में ले रहा हूँ, खड़ताल मंगनियार के अलावा कोई बचा ही नहीं सकता, क्या है ऐसा, क्या जी? मंगनियारों का ये फेरबिट जो कहते हैं, वो खासम खास इंस्ट्रूमेंट है। तो क्या बचपन से ही? जी, बचपन से ही, हमारे बच्चे हैं या दूसरों के बच्चे खिलौने से खेलते हैं, हमारे बच्चे इंस्ट्रूमेंट से खेलते हैं। अच्छा, एक और है, मंगनियार ने जो जैसलमेर की जो प्रेम गाथा मूमल जी, उसको पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। मूमल जो गाना है, और आपने स्टोरी सुना होगा, मूमल एक ब्यूटीफुल लेडी थी जो जैसलमेर के पास लुद्रुवा गांव है। अच्छा, वहाँ पे तो उनके ऊपर काफ़ी सारे गाने बने और गाते, मैंने कुछ मेरे अंदाज में ये गाना पेश किया, उसके लिए मेरे को जीमा अवार्ड भी मिला। अच्छा जी, बताएंगे, क्योंकि इतना बड़ा अवार्ड मिला है इसे। जी जी जी, और ये गाना मैंने अंदाज से लिखा, तो एक ब्यूटीफुल लेडी काजल आंखों में डाल। अच्छा, उसका वर्णन है, उसकी सुंदरता का, उसका सुंदरता का है। काली रे काली काजल रे खजा, काली रे काली काजल रे खजा, भूरी है भूर जा में चमके भी, ऐसे करके कुछ पूरा वर्णन है जी। कुटले खान जी, आप पूरी दुनिया घूमे, इस समय एक बड़ा जो बड़ी जो समस्या है वो आ रही है कि दुनिया इस समय बहुत आतंकवाद से त्रस्त हो गई है जी। आतंकवाद हर जगह, और धर्म के नाम पे आतंकवाद हो रहा है। हाँ, हम दे रहे हैं, दुनिया मारकाट इस बात को लेके मची हुई है कि हमारा जो मत है वो हावी हो जाए। कहते हैं सूफी मत के बारे में कि सूफी सबको साथ लेके। जी जी जी, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत। जी जी, हम ऐसे कुछ गाने बना रहे हैं जो एक सॉन्ग के जरिए और संगीत के जरिए लोगों तक पहुंचे और लोग एक दूसरे से जुड़े रहे। है कुछ याद आपको ऐसा? जी, काफी गाने हैं जी। तो इसमें राजस्थानी भी लैंग्वेज है और उर्दू भी है और हिंदी भी है, सब मिक्स इसमें करके मैंने पेश किया। अली नु याद करो, रल के फरियाद करो, हैदरी खान दो रासरा, थर वास्ते तो कुछ ऐसे दुनिया के तार, एक फीलिंग, एक जो संगीत का प्यार है वो पहुंचा रहे हैं। कुटले खान जी, एक आपके संगीत में एक खासियत ये है, शब्द भले ही समझ में नहीं आया हो इन लोगों को, लेकिन जो संगीत है अंदर तक छू देता है। क्या 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 है ऐसे संगीत में? ऐसा
संगीत तो एक संगीत ही है, जो क्या कहते हैं कि एक राग मद ऐसी चीज होती है जिसको लग गई वो तो मस्त है। जिसका संगीत का शौक लग गया वो तो मस्त है। तो आपको तो बचपन में लग गया जी? बचपन में लगा है, और हमारा खानदानी काम यही है। मेरे बच्चे अभी कर रहे हैं, मेरा बेटा जाकिर करके है। तो पैदा होते ही बस संगीत के माहौल में ही जी, वो ही खेलना वो ही करना। दूसरों के बच्चे खिलौने से खेलते हैं, हमारे बच्चे इंस्ट्रूमेंट से खेलते हैं। पूरा दिन ढोलक बड़ा बड़ा हारमोनियम बज रहा है। कुटले खान जी, एक बात है, क्योंकि आप पूरे दुनिया घूमे जी, अल्लाह जिला भाई का नाम आता है, जिन्होंने केसरिया बालम गा के पूरे दुनिया को, राजस्थान और केसरिया बालम को, दोनों को। और ये जब भी राजस्थानी गायकी आती है और जब भी आती है तो केसरिया बालम, क्या आप भी इसको उपयोग में लेते हैं? हे केसरिया रे बालमा रे, पधारो मारे दे, साजन आया ए सखी, साजन आया ए सखी, काई मनवार करा। उनके लिए क्या स्वागत करूं मैं? साजन आए हमारे, हमारे राजस्थान में कोई आते हैं तो उनके स्वागत के लिए मैं क्या करूं जी? थाल भरा गज मोतियां, एक मोतियों का हार भर के स्वागत करो, वो भी कम है। आंखें उठा के उनके ऊपर डालो, वो भी कम है। तो क्या कहा? साजन आया हे सखी, काई मनवार करा, थाल भरा गज मोती ऊपर नैन धरा। और बाप रे, पधारो मारे देश। इंस्ट्रूमेंट के साथ पूरा हमारा जो टीम होता है, और है उसमें तो बहुत ही अलग जी। मैंने काफी लोगों के साथ काम करने के बाद मेरा एक बैंड बनाया था। अच्छा, कुटले खान प्रोजेक्ट। हाँ, ये क्या है? बड़ा मैंने ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपने शुरू कर दिया है, क्योंकि इन दिनों काफी प्रोजेक्ट्स की चर्चा है। तो ये कुटले खान प्रोजेक्ट क्या है? क्योंकि नरेंद्र मोदी के तो आने के बाद तो प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये कौन सा प्रोजेक्ट है? ये मैंने काफी आउट ऑफ इंडिया 70 कंट्री, आपको बताया मेरी 70 कंट्री हो गई जी। तो US, UK, जर्मन, देर सब लोगों के साथ काम करने के बाद जी, और इंडिया में मूवी ये करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना एक मेरा एक अलग से बैंड बनाया जाए जी। तो मैंने सोचा और नाम रखा कुटले खान प्रोजेक्ट, और गांव-गांव मतलब जाके सर्च करके वहां पे आर्टिस्ट ढूंढे मैंने। अच्छा जी। और आज मेरे साथ 25-30 लोग काम करते हैं। अच्छा। और कभी हम छोटा बैंड होता है 10 लोगों का करते हैं, कभी 5 लोगों का, कभी 30 लोगों का। आपने एक बड़ी बात बताई कि आपने गांव-गांव छाटे जी। क्योंकि कलाकारों की जो स्थिति है सब जानते हैं कि राजा महाराजाओं के समय में कलाकारों का संरक्षण होता था जी, आज तो कोई उनको संरक्षित करने वाला नहीं है। नहीं, हमारे है जी जी। ऐसे जी में आप कैसे कर रही हैं सब? जी जी, हमारा जो खानदानी है जी, जो म्यूजिक फैमिली है, वो राजा महाराजा के वहाँ ही गाते थे जी। पहले हमारा जो म्यूजिक फैमिली चलता आ रहा है उसके बाद तो किसी ने सुनी नहीं थी, तो वो राजा महाराजा के वहाँ ही गाते थे और अभी भी गाते हैं जी। कि उनकी फैमिली मतलब उनकी कोई शादी है, पर राजा महाराजा नहीं रहे उसके बाद अर्थव्यवस्था तो खराब हुई होगी। थोड़ा बहुत चला, हमारा चलता रहा इधर करते रहे, मगर आज भी मेरे पापा वहाँ पे जाते हैं और प्ले करते हैं। अच्छा जी, आज भी ये परंपरा बनी, ये परंपरा हमारी बनी हुई है और ये परंपरा बनी ही रहेगी। क्या लगता है कि क्योंकि जिस तरह से जो मांगणियार जो गायकी है वो दुनिया में फैल रही है, क्या लगता नहीं है कि अब ये समय आ गया है कि सरकारी संरक्षण और ऐसा मिले? कुछ ऐसा लगता है आपको कि सरकार का सहयोग इसमें मिलना चाहिए? जी, सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो बुजुर्ग हमारे आर्टिस्ट है, जो वो तो नौकरी तो वोकरी कुछ नहीं कर सकते, हमारा खानदानी पैसा यही है, तो उनके लिए कुछ ऐसा कुछ तनख्वाह वनखा कुछ महीने का कुछ पेंशन हो ऐसा कुछ होना चाहिए। तो हमारे जो बुजुर्ग आर्टिस्ट हैं, काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जो बहुत ही अच्छे रह चुके हैं जी, आज उनके वहाँ कुछ भी नहीं है। तो म्यूजिकल जो आर्टिस्ट होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते, वो बस मस्त रहते हैं। कुटले खान जी, एक बड़ी, क्योंकि आप संगीतकार हैं कलाकार हैं, अभी गुलाम अली वो भारत आने वाले थे जी, उनका बड़ा विरोध हुआ, संगीत का विरोध हुआ, आपको कैसा लगा? इस पे चर्चा जारी रखेंगे। हाँ। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
Thank you.